दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम जरूरत बन चुका है। इनकी आवश्यकता हर रोज पड़ती है और यह बात भी सच है कि जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है और भारत में तो इनकी कीमत अब आसमान छूने लगी है। भारत में पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच गई है और आने वाले समय में इनके दाम और भी ज्यादा होंगे। भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं किया जाता है और इस वजह से दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है और इस वजह से इस पर ढुलाई का चार्ज लगता है और आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस पर कई तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिस कारण ये पेट्रोल हमें इतना महंगा मिलता है। हमारे देश में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन दुनिया के कई देशों में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, जैसे कि अरब देशों में। बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से उन्हें कंज्यूम करते रहें तो ये आने वाले करीब 40 सालों में खत्म हो जाएंगे। जमीन के नीचे पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये सब चीजें धरती पर लिमिटेड है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इनके दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर है। हमारे रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं जैसे कि सब्जी, भाजी, फल और तेल वगैरह, इन सब को बड़े बड़े ट्रक में भरकर एक शहर से दूसरे शहर लाया और ले जाया जाता है और जिसके लिए जरूरत पड़ती है ईंधन, यानी कि पेट्रोल और डीजल की, जो धरती पर बिल्कुल सीमित है और बिना ईंधन के कोई भी वाहन नहीं चल सकता। जब ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई भी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो हम पूरी तरह से इन्हीं संसाधन पर निर्भर है। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है? पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो सवाल ये आता है कि यह तेल जमीन के अंदर कैसे बना। तो आपको बता दे कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश के कारण दब गए और बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान ने जमीन और समंदर के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समंदर की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हें सीधे धरती को खोदकर निकाल लिया जाता है। ये अपने प्योर फोम यानी होते हैं, यानी कि जमीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। बता दे कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, इनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नेफ्था, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच जैसी चीजें होती है। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। तो इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और वो वेपोराइज्ड होता है जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें मिलती है। जैसे इसे 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है, 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से और भी कई चीजें मिलती है जैसे मोम, ग्लिसरीन, पैरासिन, वैक्स और डामर। पेट्रोल को निकालने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही इसकी टेस्टिंग भी होती है। इसमें ये देखा जाता है कि कितने ऑक्टाइम का पेट्रोल है और फिर इसे पेट्रोल पंप पर भेज दिया जाता है। बता दे कि कच्चा तेल समुद्र और जमीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल हो। दुनिया में कुछ ही जगह है जहाँ से कच्चा तेल मिलता है
अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही होता है। पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है। और पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये धरती पर एक न एक दिन खत्म होना ही है। और इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएगी, तब भी हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर न रहे। तो दोस्तों, आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल डीजल कैसे बनता है और पेट्रोलियम से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।